questions and answers and questions on general knowledge. Question number 1, 2, 3. In each of the following question, out of the four options, three options are similar to the any sense except one. Find the odd one. तो यहाँ आपको मेधावी के पेपर में ये दिया जा सकता है कि चार फिगर्स दी होंगी और उनमें से तीन फिगर एक जैसी होंगी और चौथी फिगर जो होगी वो बाकी तीन से अलग होगी. तो यहाँ बच्चों आपने उनको देखना है उस फिगर को और उसको ऑड वन आउट के रूप में टिक करना है. ठीक है, तब जैसे यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए, यहाँ पर ऊपर का हिस्सा सेमी सर्कल है और नीचे के सेमी सर्कल को दो बराबर हिस्सों में बांट दिया गया है. तो ये भी सेम है, ये भी सेम है और ये भी सेम है, सिर्फ डायरेक्शन का फ़र्क है, बट यहाँ पर ये हिस्सा आधा आधा नहीं है. तो हमारा जो रही सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी. क्वेश्चन नंबर 2, ए, ई, आई और के. अब आप सोचेंगे इसमें क्या करना है. अगर आप ध्यान से देखेंगे, यू विल सी देयर इज़ अ पैटर्न. ए, ई, आई, ये सब क्या है, हमारे वॉवल्स हैं, ए, ई, आई, ओ और यू. तो इसमें से कौन सा अलग है, डिफरेंट है, दैट इज के. सो के इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी. नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए यहाँ पर आपको चार जो है वो पिक्चर दी हुई हैं, जग की, बाल्टी की, बकेट की, बॉटल की और प्लेट की. अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये हमारी मेजरिंग को दिखाता है और फर्स्ट थ्री कैपेसिटी को दिखाती है, धारिता को दिखाती है. इसमें हम द्रव्य को यानी कि लिक्विड को मेजर कर सकते हैं, रख सकते हैं, जग में भी, बाल्टी में भी और बॉटल में भी, बट प्लेट में हम सॉलिड चीज़ रखते हैं, है ना. तो इसमें रूल आउट क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी. नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहाँ पर आपको पहचानना है, यहाँ एक पैटर्न दिया होगा और आपको उस पैटर्न में एक सीरीज चल रही है, उससे नेक्स्ट फिगर को ढूंढना होगा. तो आपने बहुत ध्यान से देखना है ये पैटर्न जो है. देखो यहाँ पर लेफ्ट साइड कलर्ड है, यहाँ ऊपर के साइड कलर्ड है, फिर यहाँ राइट साइड कलर्ड है. तो बच्चों यहाँ से आपको पता चलेगा पहला और तीसरा एक जैसे हैं, बस डायरेक्शन उल्टी है. एक में लेफ्ट है जिसमें कलर्ड पार्ट है, एक में राइट पार्ट कलर्ड है. उसके बाद एक को छोड़ देंगे, अगले को देखेंगे, यहाँ पे भी लेफ्ट है. ठीक है, तो हमें इससे अगला वाला पता तो चल जाएगा कि ये वाला आएगा, बट यहाँ के लिए हम क्या करेंगे, हम दूसरा पैटर्न देखेंगे. यहाँ से इसको देखेंगे, सेकंड नंबर वाले को, सेकंड नंबर वाले में ऊपर का हिस्सा कलर्ड है और फोर्थ वाले में नीचे का हिस्सा कलर्ड है. तो उससे जो नेक्स्ट आएगा उसमें ऊपर का हिस्सा जो होगा कलर्ड होगा. तो हमारा सही ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी. नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ देखिए, यहाँ जो सर्कल है वो नीचे है, यहाँ फिर ट्राइंगल के इस साइड पर है, फिर उसके बाद ट्राइंगल की लेटी हुई साइड पर है, तिरछी साइड पर है. तो नेचुरली ये जो अगला सर्कल होगा वो नीचे होगा. अब नीचे के लिए हमारे पास दो ऑप्शंस हैं. ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हम लाइंस को देखते हैं. पहले में लाइन, सीधी लाइन, एक के साथ एक लाइन कहाँ है, यहाँ पर है. दूसरे में कहाँ है, यहाँ पर है. तीसरे में कहाँ है, यहाँ पर. तो चौथी लाइन कहाँ होगी, यहाँ होगी, डबल. तो ये किस केस में आता है, ये हमारा इन दोनों में से सिर्फ इस केस में आता है. तो यहाँ ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. मूव टू नेक्स्ट, ये देखिए, ये पिज्ज़ा का 1/4 पार्ट है, ये है उसका आधा. आधे को हम 2/4 भी कह सकते हैं, 2/4 भी कह सकते हैं और 1/2 भी कह सकते हैं. यहाँ पर जो 1/4 हिस्सा जो है एक और जुड़ गया है, तो ये हो गया उसका 3/4. तो नेक्स्ट जो होगा वो पूरा पिज़्ज़ा होगा, जिसे हम 4/4 भी कहेंगे या 1, जिसको कैसे पढ़ेंगे. चार हिस्से हैं, चारों में से चारों ही आ गए हैं. चार हिस्से हैं, चार में से तीन हिस्से दिखाए गए हैं. चार हिस्से हैं, चार में से दो हिस्से दिखाए गए हैं. चार में से सिर्फ एक हिस्सा दिखाया गया. नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए यहाँ स्माइली है. अगर आप स्माइली को ध्यान से देखेंगे तो इसमें वो वाला पैटर्न भी लगेगा जो मैंने आपको अभी बताया था. देखिए यहाँ स्माइली ऊपर है, एक छोड़ के अगले में नीचे है, तो फिर यहाँ पर क्या होगा, ऊपर होगा. तो हमारा ऑप्शन आ जाएगा ये. तो यहाँ आपको क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखना और देखना है क्या पैटर्न एक के बाद दूसरा लग रहा है या एक को छोड़कर अगला लग रहा है. कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे देखिए 2, 3, 6, 5, इसका मतलब कोई एक सीरीज सीधी नहीं चल रही है, हम एक को छोड़कर एक का करते हैं. चलो हम 2 के बाद सीधा 6 पर आते हैं, यहाँ ढूंढते हैं. देखो कितने का अंतर आ रहा है, 2 और 6 में 4 का अंतर आ रहा है ना.
यानी 2 में 4 जोड़ दो तो 6 मिल गया। अब 6 में 4 जोड़ दो, हमें अगला मिल जाता है एक के बाद एक वाला, 10 मिल जाता है। 10 में 4 जोड़ दो 14 मिल जाता है। 14 में 4 जोड़ दो 18, यानी कि हमारा पहला नंबर आ जाएगा 18। अब 18 कहाँ कहाँ पर है? बी और सी में है। अब हमने दूसरे नंबर के लिए ट्राई करना है। दूसरे नंबर के लिए हम क्या करते हैं, हम 3 और 5 को देखते हैं। देखिए 3 और 5 कितने का अंतर है, 5 में से 3 माइनस करेंगे 2 का अंतर है, ठीक है। 5 और 7 2 का अंतर है, 7 और 9 2 का अंतर है, तो इसका मतलब 9 में हम 2 को जोड़ेंगे, आ गया 11, तो हमारा सही ऑप्शन आ गया 18 और 11, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। बच्चों ऐसे क्वेश्चंस को देखकर बिल्कुल भी नहीं घबराना, पैटर्न चलाना, ये देखना है क्या वो पैटर्न अगले नंबर पर आ रहा है। अगर नहीं आ रहा तो एक नंबर छोड़ के हो सकता है अगले नंबर पर आए, ठीक है। जैसे कि हमने इस क्वेश्चन में किया था, जितने भी मजेंटा कलर के नंबर हैं इनमें हमने क्या जोड़े थे, 4, और जितने भी पीले कलर के नंबरों से हमने ज्वाइन किया है इनमें हमने क्या जोड़े हैं, 2। तो ये आपको प्रैक्टिस से समझ में आ जाएगा कहाँ लाइन में कौन सा पैटर्न चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 9, ये भी मेधावी के पेपर में आता है। इफ अ बैट इज कॉल्ड अ बॉल, बहुत ध्यान से समझेंगे, अगर हम बैट को बॉल कहते हैं, ठीक है, एंड बॉल इज कॉल्ड अ कैप, और बॉल को क्या कहा जा रहा है, कैप कहा जा रहा है। कैप इज कॉल्ड अ पेन, पेन इज कॉल्ड अ रबर इरेजर, एंड इरेजर इज कॉल्ड अ बॉटल, ठीक है। देन द बॉय विल राइट विद, अब बॉय किससे लिखेगा, बॉय लिखेगा पेन से, बट यहाँ पर पेन को क्या कहा गया है, इरेजर, तो इसमें सही आंसर पेन नहीं होगा। हमने यहाँ दिखाना है कि पेन को किस प्रकार से प्रदर्शित किया गया, यहाँ पेन को इरेजर कहा गया है, तो हमारा सही ऑप्शन आ जाएगा इरेजर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर मैं बैग को ऐसे लिखती हूँ, यानी बी को मैं लिखती हूँ स्क्वायर, ए को लिखती हूँ ट्राइंगल, और जी को लिखती हूँ सर्कल, ठीक है, यानी बी के लिए मेरे पास ये है, ए के लिए ये है, और जी के लिए ये है, ठीक है, और डॉग के लिए क्या है, डी के लिए मैं क्या लिख रही हूँ, हार्ट शेप लिख रही हूँ, ठीक है, डी के लिए मैं हार्ट शेप लिख रही हूँ। ओ के लिए मैं क्या लिख रही हूँ, ओ के लिए मैं स्टार शेप लिख रही हूँ, और जी के लिए मैं सर्कल, देखो हमने जी के लिए पहले भी सर्कल इस्तेमाल किया है, ठीक है। तो अब हमने गुड लिखना है, ठीक है, अब हमने गुड लिखना है, तो गुड के लिए हम क्या लिखेंगे, जी लिखेंगे, जी को किससे दिखाया हुआ है, सर्कल से, ये हो गया। ओ के लिए क्या दिखाया, देखो डॉग में ओ आ रहा है, ओ के लिए क्या दिखाया है, स्टार, और क्योंकि गुड में 2 बार ओ आता है तो मैंने 2 बार स्टार लगा दिया है। और डी के लिए हम फिर से डॉग पर जाएंगे, और डी के लिए दिन बना हुआ है, दिन, यानी कि हमारा जो कोड होगा वो होगा सर्कल, 2 स्टार्स और दिल। अब हम देखते हैं ये कहाँ पर है, ये आ रहा है हमारा ऑप्शन नंबर ए में। होप्सो आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हमने इनको डीकोड करके हमने ये वर्ड को बनाकर लिखना है। क्वेश्चन नंबर 11, अर्थ और सन आपस में कोरिलेटेड, देखो यहाँ पर ये 2 बिंदु दिखा रखे हैं, इन 2 बिंदुओं का मतलब होता है अर्थ और सन कोरिलेट करते हैं, एक दूसरे से रिलेट करते हैं, कैसे, जैसे अर्थ जो है वो सूरज के चारों ओर चक्कर लगा रही है, इसका मतलब तो यही हुआ ना, अर्थ और सन को अगर हम साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो क्या है, धरती जो है ग्रह है और वो सूरज का चक्कर लगाती है, तो यहाँ पर मून के आगे क्या आएगा, मून किसका चक्कर लगाता है, मून तो धरती का चक्कर लगाता है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यहाँ हमारे की हमारी अर्थ, क्योंकि मून किसका चक्कर लगाता है, धरती का चक्कर लगाता है, ठीक है। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर शिप चलती है इस पिक्चर में, अब इस पिक्चर को कैसे इंटरप्रेट करेंगे, शिप चलती है समुंदर में, सी में, तो कैमल कहाँ चलेगा, कैमल चलेगा डेजर्ट में, अब यहाँ तो फॉरेस्ट बना हुआ, यहाँ माउंटेन बना, यहाँ रोड बनी है, तो डेजर्ट एरिया कौन सा है, डी, तो यहाँ ऑप्शन आ जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ बैटमैन हिट्स 8 4, अगर उसने 8 चौके लगाए हैं, ठीक है, अगर चौके जो हैं वो 8 लगाए हैं तो कितने रन बनाए हैं, 32 रन्स बनाए हैं उसने, ठीक है, और 6 कितने लगाए हैं, 2, 1 6 जो होता है वो 6 के लिए होगा, 2 6 हो जाएंगे 12, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, हम इन दोनों को ऐड कर देंगे, हमारे पास आ जाएगा 44 स्कोर किया उसने। अब वो कह रहा है इफ़ ही स्कोर अ टोटल ऑफ 52, तो अगर उसने टोटल 52 रन्स बनाए हैं, ठीक है, तो बताओ
कि उसने कितने रन जो है वो इन बिटवीन विकेट्स, जब बॉल को किक करके जो बैटमैन होता है वो बिटवीन द विकेट्स भागता है और रन लेता है, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम 52 जो उसने टोटल रन बनाए हैं उसमें से हम इनको माइनस कर देंगे, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा 8। नंबर 14, अब यहाँ पर क्या है, एक बकेट में 3 जग पानी आ रहा है, क्योंकि देखो बकेट इज इक्वल टू 3 जग्स ऑफ वाटर, ठीक है, और एक जग की जो कैपेसिटी है वो है 2 लीटर की, तो मुझे बताओ बकेट में कितने लीटर पानी आएगा, 2 + 2 + 2 यानी कि हम 2 × 3 और ये हमारा आंसर आ जाएगा 6 लीटर। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द शेडेड पोर्शन 2/6, यानी ये वो कौन सी फिगर है जिसमें 2/6 से दिखाया हुआ है। देखो अगर हम इसकी बात करें फर्स्ट फिगर की, तो इसमें टोटल हिस्से कितने हैं, 4, और उसमें से कितनों में कलर्ड है, 2 में, यानी कि इसको हम 2/4 भी कह सकते हैं, और इसको हम आधे हिस्से में कलर है और आधे में नहीं है, यानी 1/2 भी कह सकते हैं। यहाँ देखो यहाँ कितने हिस्से हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 है, 6 में से कितनों में है, 6 में से 2 में है, तो हमारी जो सही फिगर हो जाएगी वो हो जाएगी ये 2/6। अब देखो यहाँ पे देख लेते हैं थर्ड फिगर में, यहाँ पर कितने हिस्सों में, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 है, ठीक है, 8 में से कितनों में है, 3/8 यानी 8 में से 3 में है, और इसमें कितने ट्राइंगल्स है, 1, 2, 3, तो 3 में से कितनों में है, 2 में है, तो 2/3, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 16, अ ह्यूज बॉल ऑफ फायर दैट गेव अस लाइट, इसका आंसर क्या होगा, सन, क्योंकि सन क्या है, बॉल ऑफ फायर है, आग का गोला है जो हमें गर्मी भी देता है और हमें रोशनी भी देता है, और सूरज की जो रोशनी है उससे क्या बनती है, सोलर एनर्जी। क्वेश्चन, लाइट ऑन द अर्थ इज, यहाँ पर धरती पर रोशनी का प्रमुख साधन क्या है, सन। नेक्स्ट, सन गेव अस, मैंने अभी बताया, अभी मैंने चर्चा करी थी, सन गेव अस हीट, सन गेव अस लाइट, तो जहाँ पर एक से ज़्यादा ऑप्शन हो तो वहाँ पर हम लिखेंगे बोथ ऑफ देम, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नायलॉन इज अ डैश मटेरियल, नायलॉन आपने देखा होगा, रस्सी उससे बनती है, पैराशूट उससे बनता है, टोकरियाँ उससे बनती हैं, और थैले उससे बनते हैं नायलॉन से, कपड़े भी नायलॉन के बने होते हैं, छाता नायलॉन का बना होता है, और आपका रेनकोट भी नायलॉन का होता है, तो वो क्या है, कैसा मटेरियल है, वो नेचुरल नहीं है, वो वार्म भी नहीं है, वो है मैन मेड मटेरियल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ हाउ मेनी नंबर ऑफ बोन्स, कितनी बोन्स होती हैं, 206, जब बच्चा पैदा होता है बच्चों तब उसकी 300 होती हैं, बट जब वो एडल्ट हो जाता है, 18 साल का हो जाता है, तो उसकी बहुत सारी बोन्स जो होती हैं आपस में जुड़कर एक बोन बना लेती हैं, ठीक है, तो हम इसमें करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो 206 होगा।